King, if I could start with how it all happened in terms of from Arpan, how you became king, how was the journey like, and what were the transitions like, the ups and downs of this journey, if you could share with us. So the journey has been really wonderful, I would say, and I feel like I'm blessed enough to, to get to see all these things happening around me and start see I don't see struggle as struggles in my life, क्योंकि मैं यही करना चाहता था. और जब आप अपनी मनपसंद की चीज करते हो तो फिर स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगना चाहिए. इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट? तो वो सारी चीजें रही हैं, काफी मैं तो मानता हूँ काफी स्मूथ रहा, काफी सारी चीजें रही, काफी अच्छे लोगों से मिला मैं. बाय द टाइम आई हैव बीन दिस लकी गाय इन दिस थिंग के काफी अच्छे लोगों से मिला मैं, काफी ब्रेनीज से मिला मैं, जिन लोगों ने काफी हेल्प करी चीजों को आगे बढ़ाने में. एंड मैं हमेशा से क्यूरियस रहा हूँ चीजों को सीखने में, चीजों को करने में, क्योंकि मैं जब भी किसी की बड़ी स्टोरी देखता हूँ कुछ लाइफ में हमेशा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक इंसान है और इसने अगर यहाँ तक कोई चीज करी है तो मैं कैसे वो चीज कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ और उस पर कैसे सक्सीड कर सकता हूँ लाइफ में. तो आई थिंक वो सीखने में ही इतना मैं बिजी रहता हूँ चीजों को कि चीजें स्मूथली होती गई, इतना ध्यान मैंने दिया नहीं. तो इट वॉज अमेजिंग. Sure, I mean it has all been amazing, but अर्पण किंग में कैसे कन्वर्ट हुए और आज जो किंग को हम जानते हैं वो किंग कैसे बने, दैट्स द जर्नी वी वांट टू नो. कुछ नहीं है, दिल्ली का एक नॉर्मल सा लड़का, राइट? हम दिल्ली के थोड़े हवाबाज तो होते हैं, तो सपने बड़े देखने की आदत है हमारी. तो ऐसे ही मैं भी देखता था कि भाई शुरू से कि मतलब कैसा महसूस होता है कि जब आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते, आप जब भीड़ की वजह होते हो, राइट? तो वो फीलिंग मैं हमेशा सोचता था कि पता नहीं कैसी होती होगी. एंड मैं आई यूज टू प्ले फुटबॉल बैक देन, आई वाज एन एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन. एंड देन फिर वहां से एक स्विच आया मेरी लाइफ में, जब मतलब कॉलेज में आए, स्कूल छूटा, एंड देन फिर उसके बाद कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ, सारी चीजें हुई, एंड देन फिर एक एक हसल मोड स्टार्ट हो गया लाइफ का, रियल हसल मोड, राइट? तो शुरू से ही वो मेंटालिटी है, क्योंकि मिडिल क्लास से आते हैं सारी चीजें, तो वो हसल मेंटालिटी, हसलर मेंटालिटी. तो वो करते 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 काम में से पैसा थोड़ा निकालना, थोड़ा म्यूजिक में डालना, चीजें होते होते होती गई. मुझे पसंद बहुत था बेसिकली ये चीजें करना, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था कि कैसे ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है और आप सच में उसे बना दो. मतलब ये कोई सिखा नहीं रहा है, आप खुद कर रहे हो, ये क्रिएटिव प्रोसेस है, राइट? तो खुशबू भी कुछ ऐसी सी चीज होती है, राइट? और टेस्ट भी ऐसी चीज होती है. तो यही था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था ये चीजें करने में. और करते करते वो चीज कब मैं इतना ज्यादा लाइक हर हफ्ते म्यूजिक ड्रॉप कर देना यूट्यूब पे, हर ये चीजें कर देना, जो जो भी चीजें मेरे पे थी, जितनी भी छोटी मोटी रिसोर्सेस थी वो सारी यूज करके करना. और फिर उसके बाद देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रियलिटी शो कॉल एमटीवी हसल. फिर मैं वहां गया एंड देन द मैजिक हैपेंड, लोगों ने मुझे डिस्कवर करा. और जो भी बचपन में जो भी चीजें मेरे को रही, जो भी सवाल जवाब थे, वो मैंने सारे गानों में लिख दिए एक तरीके से. तो मुझे नहीं पता था कि हम सबकी कहानी एक जैसी चल रही होती है. तो जब मैं हसल में गया और मैं डिस्कवर हुआ, जब लोगों ने पसंद करा कि हाँ यार ये हमारी जैसी बातें कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब एक जैसे ही हैं, तो मैं क्यों ना ऐसी चीजें लिखूं जो हम हमारे सबकी एक जैसी होती है. तो वो करते करते फिर कब लोगों को पसंद आने लगा, फिर मैं प्यार की भावनाएं और ज्यादा लिखने लगा कि कैसा होता है, इमेजिनरी चीजें कैसी होती हैं. तो देन पता लगा कि सबकी फीलिंग्स ही वही हैं. तो मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ एक ही चीज सही करी कि मैं फीलिंग्स के बारे में लिखता हूँ, मैं महसूस जो करता हूँ वो मैं लिखता हूँ. एंड आई थिंक बस यही है, मतलब उसी बात का किंग है, लोगों ने उसी बात का बनाया कि यार ये शायद सही रिप्रेजेंटेटर है फीलिंग्स के मामले में. तो फिर वही करते करते अभी आगे चलते चलते हम ऐसे हुए कि भाई और किस चीजों में मैं ऐसा कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, एंड देन फिर एवरीथिंग हैपेंड. एंड इस जर्नी में ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे विच एक्चुअली मेड यू व्हाट यू आर, सो एनी मोमेंट्स विच यू वांट टू शेयर विद अस. मैम मोमेंट वही था जब मैं टीवी स्क्रीन पर आया और मैं डिस्कवर हो गया बेसिकली. तो मुझे ये चीज महसूस हुई कि मैं सी दुनिया बहुत जल्दी चीजों को ना भूल भी जाती है, मगर जब आप शुरू से कोई चीज आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ और आप वो समहाउ उस चीज में डिस्कवर हो जाते हो, तो दिस इज समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट टू लूज, राइट? तो मैं उसके बाद फेड अवे नहीं होना चाहता था. मैं सोच रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी डेस्टिनी अगर मुझे यहाँ तक ले जाए तो अब यहाँ से मेरी मेहनत का काम है कि मैं अपनी मेहनत करके इस चीज को कितना सस्टेन करके आगे बढ़ सकता हूँ. फिर मैं उस चीज को ऐसे देखने लगा, मैं एक एम्पायर की तरह देखने लगा उस चीज को कि यार ये सिर्फ यूं ही आई और गई चीज नहीं है, एक बार करके तो देख.
अगर ऊपर वाले ने तेरे को यहां तक लाया तो समाओ यहां तक आया है, तो अब मेहनत करने का टाइम। फिर मैम तब से दिन रात मेहनत चलती रहती है चीजों में, अभी तक रुके नहीं। मोमेंट मेरे हिसाब से तब से ही था जब मैं टीवी स्क्रीन पे दिख गया और मुझे पता लग गया कि ये चीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई है, वो था। एंड जैसे जैसे मैं चलता गया, मैं काफी जिन्हों को मैं सुना करता था, जिन्हों को मैं देखा करता था, मैं उन सबसे मिला। एंड देन कब उन सबसे मिलने से लेकर कब वो सब मेरे से आके मिलने लगे और मुझे जानने लगे पहले से ही, तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग रहा। एंड या इट्स बीन लाइक दैट हर एक मोमेंट मैम। आई वेक अप एवरी डे, जो भी चीज मैं किसी से नया मिलता हूँ, कुछ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तक आया हूँ, तो इसका मतलब यही स्पेशल मोमेंट है। सो मेरे लिए हर वो टाइम स्पेशल है, तभी से ही चेंजेस है, और रोज एवरी डे आई चेंज दिस वे। अभी किंग यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ दिस क्रिएटिव प्रोसेस इज लाइक, सो एनी थॉट्स यू कैन पुट इन, आपका मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है इस क्रिएटिविटी के लिए? मैं ऐसे देखता हूँ चीज को कि मेरा ऐसा मानना है कि दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक बुकिश होते हैं और एक एक होते हैं जिनके अंदर वो चीज होती है। हर किसी के अंदर टैलेंट होता है जैसे। तो मेरे केस में मैं बाय डिफॉल्ट वो वाला हूँ जो बुक्स से नहीं है, और मेरे अंदर कुछ चीजें जो मुझे लिखनी आती हैं। इसका कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है मैम, बस आप इतना है कि रात को आपको अगर नींद भी आ रही हो और आपके दिमाग में भी थॉट आ गया, तो आपको नींद को हटा के उस थॉट को रिकॉर्ड करना है, इससे पहले कि आप भूल जाओ। बस ये है, हमारे मेरे काम में कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, 24 घंटे कभी भी कुछ भी आ सकता है दिमाग में। एंड सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बहुत सारी बाकी चीजें भी आ सकती हैं दिमाग में। तो एंड मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी लिमिट क्या है, क्योंकि मैम वो ये कुछ नहीं करा तो कुछ होगा भी नहीं, राइट? तो क्यों ना कुछ कर ही लो, इन द एंड ऑफ द डे हर चीज का एक एंड है इस दुनिया के अंदर, राइट? तो मैं उस आइडियोलॉजी के साथ जीता हूँ कि जब सब कुछ एंड होना ही है, मुझे भी इस दुनिया से जाना है, सारी चीजें होनी है, तो क्यों ना कुछ कर ही लिया जाए। क्या होगा, गलत कर देंगे, 4 लोग हंस लेंगे, कोई बात नहीं, दुनिया में मैं थोड़ी अकेला हूँ जिसका मजाक बनेगा, मगर क्यों ना मैं वो बनने के लिए काम करूं कि यार दुनिया में जिसको देख के ऊपर लोग बोलते हैं कि हाँ यार इसके जैसा बनना है। तो बस वही चांसेस, वही सारी चीजें, और क्रिएटिव प्रोसेस भी कुछ ऐसे ही रहे मैम, कोई कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी आ जाता है। बट ये है कि हाँ डेडिकेटेडली आपको लगना होता है व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ, एंड बिलीव बहुत जरूरी है। आई थिंक यही क्रिएटिव प्रोसेस है। बाकी मैं टेक में घुसूंगा अगर कि हम कौन से माइक यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो चीज फिर अलग चली जाएगी। बट मेन रूट्स यही है मैम क्रिएटिविटी के, डेडिकेशन बहुत श्योर, जरूरी है और इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। एंड हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन किंग? देर आर सम आर्टिस्ट लाइक देर आर बिग एक्टर्स हुज बीन माई इंस्पिरेशन इन लाइफ, लाइक मोहम्मद रफी साहब, राइट? किंग एल्विस प्रेस्ली, कान्ये वेस्ट, राइट? और जेजी, रिक रॉस, एंड किशोर दा, एंड देवानंद साहब, शाहरुख खान साहब, तो ये सारी चीजें रही हैं। मतलब बहुत बहुत सारी चीजें, मैं मतलब सिर्फ म्यूजिक तक नहीं है कहानी। मुझे अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं जैसे मैं जो मेरे आइडल्स रहे हैं, जिनको मैं जिनसे मैं इंस्पायर रहा हूँ जिंदगी में किसी ना किसी तरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी जिंदगी में बहुत सारी बाकी चीजें करी हैं म्यूजिक से हटके भी, और वो भी कभी इन उसमें नहीं रहे जिंदगी में, बॉक्स में। हालांकि म्यूजिक मेरा बॉक्स नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ म्यूजिशियंस नहीं है, बहुत सारी बाकी चीजें भी हैं। तो ओके, यस या सो व्हाट एल्स यू एंजॉय अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक? मैम, टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट एंजॉय माई होम फूड नाउडेज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लगा हूँ, तो म्यूजिक के अलावा मैं खाता हूँ, और नींद मिलती है मुझे जब मैं म्यूजिक के अलावा जब मैं घर आता हूँ अपने, तो मैं सोना पसंद करता हूँ, तो बड़ा वियर्ड है, बट हाँ मुझे मैं म्यूजिक के अलावा सोता हूँ और खाता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं करता, और ना मैं बाहर जाता, ठंड ज्यादा इतनी हो रही है कि पूछो ही मत बाहर कौन नहीं जाएगा सही पर। तो वही है, बाकी दोस्त वो जाता है, हम घर में कुक करते खाते रहते हैं बस। अब मैं गेम्स खेल लेता हूँ, थोड़ा सा गेम खेल लिया था, फिर नॉर्मल बोरिंग लाइफ, रियल लाइफ मेरी अरे जो अर्पण वाली लाइफ हो बिल्कुल एकदम बेसिक है, बेसिक, और मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ। दैट कीप्स यू डाउन टू अर्थ, आई मीन दैट्स गुड. इट मेक्स मी फील मैं कौन था, कौन हूं, और कहाँ जाना चाहता हूँ। आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल ईयर फॉर यू, 2023. So what are your plans for 2024? ओह माय नेक्स्ट प्लान, यस 2023 बहुत ज्यादा अमेजिंग रहा है। 2023 में वी हैव लॉन्च्ड एल्बम न्यू लाइफ, एंड वी हैव लॉन्च्ड ब्लांको, जो कि बहुत ही अलग मूव हुआ मेरी लाइफ के अंदर। एंड 2024 में म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, एंड इस साल मैं काफी कोलैबोरेटिव मूड में हूँ म्यूजिक के अंदर भी और म्यूजिक के बाहर भी।
तो मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में, काफी टाइम से मैंने बहुत सारे गाने निकाले, मेरा बहुत सारा मन है कि मैं बहुत सारे गाने निकालू इस साल, तो अभी वो प्लान्स है मेरे कुछ। और मैं अभी भी स्टूडियो में बैठ के काम ही कर रहा था, तो वही सब है। एंड उसके अलावा ब्लांको को जहां तक अभी पहुंचा है उससे मेरे को 10 गुना और बड़ा देखना है। एंड ब्लैंको के साथ साथ और मैं क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ब्लैंको के अंदर ब्लैंको के बाहर। तो मेरे लिए अभी फिलहाल मेरा फोकस इस साल का मेरा आर्ट है जो मैं अभी कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ में, एंड सेकेंड हाफ में साल के मेरा फोकस रहेगा मेरा बिजनेस एंड ये सारी चीजें। और मैं किस तरीके से टोर्स, जितने भी हमने टोर्स के अंदर जो न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड करें हमने, चीजें टेक्स ऐड करें हमने, उस चीज को और कितने अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं हम, और कौन से शायद नए वेरिएंट्स मैं रिलीज कर सकता हूँ ब्लांको में। मतलब मैम हर वो चीज जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो एक टच दे सके मेरे को और कनेक्ट कर सके मुझे सुनने वालों के लिए, या इंसान को इंसान से ज्यादा कनेक्ट कर सके, कनेक्टिविटी पे मैं ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वो चाहे कुछ भी हो। सो व्हेन यू गॉट इन टू बिजनेस मेन कुछ ऐसी लर्निंग थी जो आपको हुई मेन जो म्यूजिक से ऑफ कोर्स नहीं हुई थी बिजनेस में आके हुई? हाँ जी, बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब कई सारी चीजें तो ऐसी है कि मैं मतलब ऐसे बताना नहीं चाहूंगा, बट हाँ तौर तरीका जरूर पता लगता है आपको बिजनेस में जब आप होते हो, आपको प्रोफेशनलिज्म पता लगता है। हालांकि म्यूजिक में भी है, बट म्यूजिक में हम जो इस जनरेशन के आर्टिस्ट हैं, हम बहुत ऐसे ब्रोज वाला हिसाब होता है हमारा, राइट, वी बिल्ड अ रिलेशन, क्योंकि है ही आर्ट चीज ही ऐसे, इमोशन कनेक्ट होते हैं उससे। बट बिजनेस में आपको पता लगता है कि आपका ब्रेन पोटेंशियल कितना है और क्या क्या चीजें, छोटी छोटी क्या क्या चीजें एक बड़ा चेंज ला सकती है लाइफ में। ये बहुत जरूरी चीजें जो मैंने बिजनेस में सीखी। मैंने पेशेंस सीखा कि पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप बोलो कि आज आपने कंपनी कोई लॉन्च करी है, नया कुछ लॉन्च करा, और आप एक्सपेक्ट करोगे एक साल के अंदर 1,000 करोड़ की आपकी वो हो जाए, तो ये सब ख्याली पुलाव है। मुझे ऐसा लगता है आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है बिजनेस में, एंड वो सारी चीजें सीखी। कोलैबोरेशन सीखी मैंने कि अगर आपको किसी चीज के बारे में 19 पता है और सामने वाले को 20 पता है, तो कैसे आप उससे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो और वो चीज शेयर कर सकते हो और अपनी भी चीज शेयर कर सकते हो। तो बहुत एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, ये मेरे को पता लगा बिजनेस में जब मैं इन चीजों में घुसा। तो ये सारी चीजें जो मैंने म्यूजिक के अलावा काफी हद तक एक्सप्लोर करी, काफी सारी चीजों के नाम एक्सप्लोर करे, काफी स्टडीज करनी शुरू कर दी मैंने दोबारा से। मैंने म्यूजिक के लिए तो कभी पढ़ाई करी नहीं, बट बिजनेस के लिए लाइक मैं देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ सारी चीजें। बुक्स मैं पढ़ता नहीं हूँ, वो मेरे को थोड़ी पसंद नहीं है ना, सारा ज्ञान बुक्स में, बट पता नहीं क्यों मैं थोड़ा आलसी उस मामले में, मैं आदत डाल रहा हूँ। बट उसके अलावा जितना विजुअल कॉन्टेंट होता है, कोई भी ऐसी चीज है जो मेरे को मिल सकती है इंटरनेट पे इजिली या कुछ भी, वो सारी चीजें मैं देखता रहता हूँ, और उसमें भी सही गलत क्या है वो सारी चीजें, और नए आइडियाज क्या हो सकते हैं, और ये चीजें कि अभी आसपास इस जनरेशन में कितने यंगीज हैं, कितने यूथ में ऐसे लोग हैं जो ज्यादा बिजनेस को लेकर हैं, उनके पास कैसे कैसे आइडियाज हैं। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट द राइट आइडिया एंड राइट डिसीजन एट राइट टाइम। एनी न्यू सेगमेंट्स और एनीथिंग या न्यू यू वुड लाइक टू वेंचर इनटू इन 2024? वी आर प्लानिंग टू रिलीज, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च सम न्यू वेरियंट्स इन ब्लैंको, समथिंग डिफरेंट, एंड ऐसी कोई चीज अभी राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन समथिंग के ऐसी कोई चीज लोगों ने अभी तक वो POV ना देखा हो कि ठीक है परफ्यूम कंपनी ये सारी चीजें, बट एक 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 डिफरेंट POV एंड उसकी जरूरत और कितना सही वो है उस सिचुएशन या ऐसी चीजों के लिए। मैं अभी शायद मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पिरो के बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली बात क्या है, क्योंकि अभी भी वी आर लाइक जस्ट वर्किंग ऑन इट वो सारी चीजें। बट हाँ कुछ एक्सक्लूसिव जरूर मैं करना चाहता हूँ विद ब्लैंको दिस ईयर, एंड ऑल्सो सी क्वालिटी और सारी टाइम लॉक टेक्नोलॉजी सब चीज बेटर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट और कैसे उसको पैन इंडिया पुश करा जा सकता है और कैसे चीजें, क्योंकि जैसा भी रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और अब सी जैसे मेरे म्यूजिक के साथ हुआ था, जब मैं टीवी पर डिस्कवर हो गया था तब से मैंने समझ ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब जब मैं इस चीज में घुस गया हूँ, मैं नाम इन टू बिजनेस नाउ और उसका रिस्पॉन्स मैं ऐसा देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेसिक का जो मैंने बिजनेस के बारे में पढ़ा समझा वो काफी हद तक सही था। एंड उसके बाद अब जो चीजें, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कि मैं अगर इस चीज में घुस चुका हूँ, अगर मुझे कंसिडर करा जा रहा है इस लाइन में भी, तो मैं क्यों ना उस चीज को फिर ढंग से करूं और अच्छे से करूं। तो मैं ब्लैंको को लेके बहुत सीरियस हो गया हूँ, और ब्लैंको के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर भी आप वर्किंग, एंड शायद वो
परफ्यूम से हटके भी कुछ हो सकता है, ये कुछ भी, तो ये है। एंड लाइक ह्यूज शाउट आउट टू माय ब्रदर राजशमानी। और हम एक दिन पॉडकास्ट पे बैठे थे, और पॉडकास्ट पे बैठे बैठे बातों बातों में कुछ निकल गया मेरे मुंह से, एंड देन ही उसने मेरे को मैसेज करा कि कुछ बात करी थी आपने, कुछ कुछ कर सक करे कुछ प्रो, तो ही इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला यार क्या मेरा ये था यार कुछ अलग करना है, मगर कुछ अलग करते हैं। तो उसका भी वही था कि हाँ भाई कुछ अलग करते हैं। फिर हम इस ब्लांको के आइडिया के साथ आए कि चलो ये चीज करते हैं। देन फिर हाउस ऑफ एक्स सर, ये सारी चीजें, हमारा ब्लू प्रिंट, हम सब बहुत सारे लोग फिर कोलैबोरेटिव उसमें आए, फिर एक टीम बनी, सारी चीजें। सो या इट्स गोइंग अमेजिंग राइट नाउ। एंड अब आई डोंट नो, राज का नाम भी नहीं आया, फिर भी मैं राज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना मेरे को इस बात का श्रेय जाता है उतना उसको भी जाता है। एंड वो ऐसा इंसान है, कभी भी रात को कॉल कर देता है कि ये आइडिया है, ऐसा कुछ लग रहा है यार, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ऐसा कर देना चाहिए, इसे ठीक कर लेना चाहिए, इसे ऐसा कर देना चाहिए। तो वो काफी अच्छी चीज रहती है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में स्टक रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, और मैं एक ही लाइफ, एक ही इंसान, बहुत सारे अलग अलग पार्ट प्ले कर रहा होता हूँ। तो कई बार मेरे दिमाग से कोई आइडिया स्किप हो जाता है, कोई कोई मीटिंग स्किप हो जाती है, तो देन ही इट मी अप लाइक कि भाई ये था, ये है, उसको ऐसा कर सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज है, अभी उसके पास भी काफी अच्छे आइडियाज है सारी चीजों को लेकर, हाउस ऑफ एक्स के पास भी। तो अभी मैं बॉम्बे आने वाला हूँ, बहुत जल्द बैठने वाला हूँ उस मीटिंग पे, देन वी गोना डिसाइड व्हाट वी गोना डू इन 2024। एंड या आई थिंक दैट्स गोन इट्स दिस टाइम इट्स गोना बी लाइक 10 टाइम्स बिगर देन 2023। So before we conclude, one line we would definitely want to listen, और मान मेरी जान. मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल किया। बस इसके आगे दुनिया जानती है। Thank you so much. थैंक Wonderful यू सो talking मच to मैम, you थैंक यू सो and मच, wishing you all the success for all your थैंक यू future सो मच, endeavors. थैंक यू सो मच पुनीता मैम।